ओके नो दिस इज सेकंड पेपर ऑफ गेटवे टू MDMS MCQs नंबर 214. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन केस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक्सेप्ट हाइपरकैल्सीमिया हाइपरअमाइलेसीमिया रेज्ड लाइपेज लेवल्स ग्लूकोज यूरिया. तो कैल्शियम के लेवल्स एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में डिक्रीज हो जाते हैं, बाकी इसके अमाइलेज लाइपेज और ग्लूकोज यूरिया के लेवल्स ज़्यादा होंगे. कैल्शियम के लेवल्स कम क्यों हो रहे हैं? कॉज स्पोनिफाई विद फैट्स. कैल्शियम जो है ना वो स्पोनिफाई करती है विद फैट्स, इस वजह से कैल्शियम के लेवल पैंक्रियाटाइटिस में डिक्रीज हो जाते हैं. देन हमारे पास कॉजेज हैं. कॉजेज का निमोनिक है आई गेट स्मैश्ड. ऐसे इडियोपैथिक कॉजेज हो सकती हैं जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है इन पाकिस्तान. इडियोपैथिक कॉज है ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. इसके बाद है जी से गॉल स्टोन्स. ई से एथानोल मोस्ट कॉमन कॉज इन वर्ल्ड वाइड. और टी से ट्रॉमा की अगर हिस्ट्री है तो उसकी वजह से हो जाएगा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. एस से स्टीरॉइड्स का यूज्ड है. और एम से मम्स या मेलिग्नेंसी अगर आप कॉज हो जाती है तो उसकी वजह से भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा मम्स से. ए से ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं. मे हैव IgG4 ऑटो एंटीबॉडी इन्वॉल्व. ऐसे स्कॉर्पियन का स्टिंग होता है अगर स्कॉर्पियन स्टिंग तो उसकी वजह से भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है. एच से है हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया. इंक्रीज 1000 mg/dL के लेवल्स हैं. हाइपर कैल्सीमिया हाइपर पैराथायराइडिज्म. ई से है ERCP. ERCP में ए सिम्टोमेटिक बिफोर ERCP चेक अमाइलेज पोस्ट ERCP प्रोसीजर. ERCP के लेवल्स आपने देखने हैं. और ड्रग्स में HCT हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स डिडेनियोसिन और पेंटामिडीन ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कॉज करवा सकती हैं. फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ मोस्ट कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटाइटिस इज प्री मेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन टू ट्रिप्सिन वाइल स्टिल इन पैंक्रियाज. दिस कॉजेज ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाज. मोस्ट कॉमन जो पाथवे है उसमें ट्रिप्सिनोजिन टू ट्रिप्सिन प्री मेच्योर एक्टिवेशन हो जाती है. और जबकि ये स्टील पैंक्रियाज में होता है तो जिसकी वजह से ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देगा. साइन सिम्टम ये है मीड एपिगैस्ट्रिक पेन होता है एंड टेंडरनेस फील होती है. रेडिएटिंग टू बैक नोजिया वोमिटिंग और रैचिंग होगी. पेन रेडिएट्स करता है स्ट्रेट थ्रू बैक. और सीवियर डिजीज प्रेजेंट्स करती है लाइक सेप्टिक शॉक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हाइपोटेंशन. और हाइपोटेंशन के साथ है रिजिड एब्डोमिन. डायग्नोसिस के लिए इनिशियल टेस्ट ऑमाइलेज लाइपेज की लेवल्स करती हैं. लाइपेज मोस्ट स्पेसिफिक होता है बट राइज करता है लेटर. तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में लाइपेज मोस्ट स्पेसिफिक होगा. सीवियर केसेस में WBCs रेज हो जाएंगे. ऑक्सीजन सेचुरेशन डिक्रीज हो जाएगी. ग्लूकोज रेज हो जाएगा. इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पैंक्रियाज डैमेज है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन वहीं से होनी होती है तो वो डिक्रीज हो जाएगी. ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे. LDH EST लेवल ज़्यादा हो जाएंगे. कैल्शियम कम हो जाएगी क्योंकि स्पोनिफिकेशन होती है इन पैंक्रियाज विद फैट. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाती हैं. मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू डिटरमिन सिवेरिटी इज CT स्कैन कॉल्ड CT सिवेरिटी इंडेक्स. तो हमने जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो यही होता है. और जो सिटी कॉल्ड सिटी सिवेरिटी इंडेक्स है इट डिटेक्ट्स नेक्रोसिस अब्सेस डक्टल स्टोन. सिटी हैज़ मोर प्रोग्नोस्टिक वैल्यू देन रेंसन्स क्राइटेरिया. अगर रेंसन्स क्राइटेरिया से सिटी की ज़्यादा प्रोग्नोस्टिक वैल्यू होती है और ये डिटर्मिन्स करी होते हैं नेक्रोसिस को अब्सेस को डक्ट स्टोन्स को. विच वॉज डिवेल्प बिफोर यूज ऑफ सिटी स्टार्टेड. तो रेंसन पहले हुआ था डायग्नोस. मोस्ट एक्यूट टेस्ट टू डिटेक्ट बिलरी पैंक्रियाटिक डक्ट पैथोलॉजी इज ERCP. तो मोस्ट एक्यूट टेस्ट जो है टू डिटेक्ट बिलरी और पैंक्रियाटिक डक्ट पैथोलॉजी. अगर हमने बिलरी या पैंक्रियाटिक डक्ट की पैथोलॉजी को देखना है तो ERCP हम करते हैं. ERCP एपेशेस को टू
मोर देन 2.8 ऑल्सो शोज सिवियरिटी एंड प्रोग्नोसिस। डक्ट की पैथोलॉजी के लिए ERCP या पेशेंट 2 स्कोर होता है। रनसन क्राइटेरिया 1 पॉइंट ईच। एट एडमिशन WBCs का लेवल हो मोर देन 16,000, एज है मोर देन 55, ग्लूकोज 200 से ज़्यादा है, AST का लेवल है मोर देन 250, LDH का लेवल मोर देन 350 है एट एडमिशन, तो 1.8 तो जो यहाँ से अभी पता चल जाएगा रैनसन क्राइटेरिया का एट एडमिशन। और विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, इसके बाद है विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन में हीमेटोक्रिट डिक्रीज मोर देन 10%, हीमेटोक्रिट डिक्रीज हो रहा है मोर देन 10%, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो रहा है मोर देन 75, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, सीरम कैल्शियम का लेवल था लेस देन 8, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल PO2 लेस देन 60, और बेस डेफिसिट मोर देन 4, फ्लूइड नीड्स और सिक्वेस्ट्रेशन मोर देन 6 लीटर है, रैनसन स्कोर 0 to 2, 0 to 3% मोर्टेलिटी है। अगर रैनसन स्कोर 3 to 4 है तो इसका मतलब है 11 to 15% मोर्टेलिटी है, 5-6 हो गया तो 40% मोर्टेलिटी, 7-8 तक चला गया, ये सारी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं इनमें से मोस्टली, तो 90 to 100% मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं कुलीन साइन, ग्रे टर्नर साइन, तो ये दो जो है ना ये इम्पोर्टेंट साइन होते हैं इसमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में। कुलीन साइन में क्या होता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है अराउंड अम्ब्राइकस ड्यू टू हीमोपेरिटोनियम, अम्ब्राइकस के अराउंड जो है ना वो ब्लू कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है अम्ब्राइकस के अराउंड हीमोपेरिटोनियम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पेरिटोनियम में ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे अराउंड द अम्ब्राइकस ब्लू कलर हमें नज़र आ रहा होता है, तो वो कुलीन साइन होता है। जो ग्रेटर साइन हो मतलब होता है ये फ्लैंक्स में होता है, ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स, फ्लैंक्स की ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है, ब्लड स्प्रेड्स फ्रॉम द इंटीरियर पैरा रीनल स्पेस और एरिया बिटवीन लीव्स ऑफ द पोस्टीरियर रीनल फेशिया, पोस्टीरियर रीनल फेशिया के दरमियान में ये एरिया होता है बिटवीन लीव्स ऑफ पोस्टीरियर रीनल फेशिया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है द लेटरल एज ऑफ द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल वर्ड्स टू फ्लैंक्स ग्रे टर्नर। यहाँ पे ब्लड स्प्रेड करता है एंटीरियर पैरा रीनल स्पेस से एरिया बिटवीन लीव्स ऑफ द पोस्टीरियर रीनल फेशिया और वहाँ से क्वाड्रेटस लंबोरम के लेटरल एज में चला जाएगा, तो ये होगा ग्रे टर्नर साइन दो फ्लैंक्स के दरमियान में। तो इसके बाद है जी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है फ्लूइड से, बॉवल रेस्ट करवाएंगे, पेन मेडिकेशन देंगे, ERCP डन इफ स्टोन रिमूवल और स्ट्रिक्चर डायलेशन इज नीडेड इन बिलरी एंड पेंक्रियाटिक डक्ट्स, व्हेन नेक्रोसिस इज मोर देन 30% ऑन CT एंटीबायोटिक्स लाइक इमिपेनम आर स्टार्टेड टू प्रिवेंट सेप्सिस, अगर मोर देन 30% आपको नेक्रोसिस मिल रही है तो आपने इमिपेनम स्टार्ट कर देनी है, If fever starts, pancreatic biopsy is done and if shows infection along with necrosis, then surgical debridement is done. अगर fever starts है तो pancreatic biopsy is done and if shows infection along with necrosis, then surgical debridement is done. Necrosectomy or phrase procedure करेंगे इसके लिए necrosis के लिए। Pseudocyst develop 2 to 4 weeks after acute episode. Acute episode के बाद after acute episode pseudocyst develop हो जाती है। Acute episode के 2 weeks to 4 weeks के अंदर pseudocyst develop हो जाएगी। If small asymptomatic and less than 5 cm, expectant management and drainage procedure usually into स्टमक में थ्रो द प्रोसीजर कर द सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी, तो सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी आपने करके उसको स्टमक में फेंक देना है, और
जनरली वेन कॉजिंग सिम्टम्स फ्राम प्रेशर और नॉट सेल्फ रिजॉल्विंग ऑन फॉलो अप, सेल्फ रिजॉल्विंग नहीं है या प्रेशर के सिम्टम्स दे रहा है तो इस दौरान भी हमने उसकी ड्रेनेज कर देनी है सिस्ट्रो गैस्ट्रोस्टोमी करके। फिर है अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस की क्या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अदर कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है कि असाइटीज हो सकती हैं,